आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ रिंग का खेल खेलने के लिए। दशहरे के मेले के मौके पर सस्ता लगा दिया रिंग, ₹1 का एक रिंग, और ₹1 का एक रिंग लेने के बाद रिंग में जो भी सामान फंस जाए वो तुम्हारा। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, मैंने ₹1 का ये एक रिंग तो ले लिया, इस रिंग को उछाल के मैं ये जो तुम्हारे टेबल पे जो सामान रखे इन सामान पे फेंक के फांस दूं, वो सामान मेरा हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, कोई सा भी सामान फांस लो। ये देखो साबुन है, बिस्किट है, बहुत सारे महंगे महंगे सामान है, ₹1 का रिंग है और सामान महंगा है, ₹4-5, ₹10, ₹50 तक का सामान है। मेरे बेटे राहुल, सही से आराम से रिंग को संभल के पकड़ के फेंक और एक साबुन को फांस ले। घर में कपड़े धोने वाला साबुन भी खत्म हो गया है, ₹1 में साबुन मिल जाएगा ₹5 का, फांस दे। मम्मी जी एक बात बताओ, किस तरीके से फांसूं? दो रिंग तो खराब हो चुके, यानी कि दो रिंग खरीद चुके अपना लोग, ₹2 तो खत्म हो गए। ये केजरीवाल जी से तीसरा रिंग खरीदा है अपना लोगों ने, अभी तक रिंग में कोई भी सामान नहीं फंसा। अच्छा खासा मैं दशहरे का मेला घूम रहा था, आप यहाँ पर मुझे पकड़ के ले आई कि ₹5 का साबुन फांस दे ₹1 के रिंग के अंदर। मुझे लगता है ₹5-₹10 के भी रिंग अपना खरीद के केजरीवाल जी से अगर साबुन फांसने की कोशिश करेंगे तो भी साबुन नहीं फंसेगा। अरे फंसेगा कैसे नहीं भाई साहब, आपको सही तरीके से रिंग को फेंकना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? भाई साहब ये कर सकती हो आप, रिंग का दाम कम करो, ₹1 का एक रिंग आप महंगा दे रहे हो, ₹1 के 4 रिंग दो आप। भाई साहब ये दशहरे का मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर हमने ये रिंग की दुकान लगाई है, मेला कमेटी को भी पैसे देना पड़ते हैं हमें, और ये रिंग की दुकान अकेले मेरी थोड़ी है, लालू जी भी इसमें पार्टनरशिप में, ये देखो खड़े मेरे बराबर में। क्या करें योगी जी भी अपना भी ₹2 के 2 रिंग खरीदे, क्योंकि अपने पास मेले में घूमने के लिए ₹2 बचे और भूख बहुत तेज लगी है, ₹2 के 2 रिंग में शायद 2 बिस्किट के पैकेट फंस जाए। अखिलेश इस चक्कर में मत पड़ो, ₹1 का बिस्किट नहीं फंस पाएगा इसमें, जो ₹2 वो भी खर्च हो जाएंगे। ये रिंग का खेल मैं जानता हूँ, इसमें मेले में किसी का कुछ भी नहीं फंस पाता, ऐसी पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई साहब आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हो आप तो। ये देखो मेरे बराबर में शिवराज सिंह जी खड़े, ये ₹5 के रिंग में ₹200 का सामान फांस चुके हैं मेरी इस दुकान से, इन्हीं से पूछ लो। हाँ योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लालू जी, आप रिंग को खरीद के रिंग को सही से फेंको, कोई ना कोई सामान जरूर फंसेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिकट 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 कटवा लो टिकट। अरे भैया आप लोग एक एक करके आके टिकट कटवा लो, नहीं तो आगे साहब खड़े होंगे, तुम्हारा भी टिकट कट जाएगा और हमारा भी टिकट कटेगा। लालू जी कहाँ जाना है आपको बताओ, तुम्हारा टिकट काट देता हूँ अभी। मोदी जी हमारा घर पटना है, हमें अपने घर पे पटना जाना है, ठीक है तुम वहाँ तक का टिकट काट दो। और ये क्या कह रहे हो तुम्हारा टिकट काट देता हूँ, अरे कैसे हमारा टिकट काट दो, हम तुम्हारा टिकट नहीं काट देंगे, इतना बुड़बक समझे हो का। लालू जी आप तो खाम खा नाराज हो रहे हो भाई, अरे मैं भी वही कह रहा हूँ, जहाँ तक तुमको जाना है वहाँ तक बता दो, मैं वहाँ तक की टिकट काट देता हूँ, तुम्हारी टिकट थोड़ी ना काटूंगा यार, अभी तुम्हारी जाने की थोड़ी ना उम्र है जो मैं तुम्हारा टिकट काटने लग गया। लाओ ₹100-200 दो टिकट लो अपना। मोदी जी तुम हमको बुड़बके समझ लिए हो क्या यार, वहाँ तक के तो ₹50 लगते हैं, तुम ₹200 किस हिसाब से मांग रहे हो, मैं ₹50 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। तुम तो यार बड़े चालाक आदमी बन रहे हो यार, जब देखो जब किसी का काटने ही नहीं लगे रहते हो। लालू चाचा लग रहा है बहुत दिन के बाद बस में सफर कर रहे हो भाई, इसलिए तुमको रेट का अंदाजा है नहीं। अरे जो रेट तुम बता रहे हो ₹50, ये 20 साल पहले का रेट था, अब ₹200 हो गए हैं, हम भी तो किराया देके जाते हैं उतना। केजरीवाल जी मेरी बात सुनो, तुम हो दिल्ली के CM, चाहे तुम ₹200 देके जाओ चाहे ₹2,000 देके जाओ, मैं ठहरा बेरोजगार आदमी, मैं भला कहाँ से इतने पैसे दूंगा जितने ये मांग रहे हैं, मैं तो ₹50 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। लालू जी अब तुम बहुत ज्यादा ड्रामे कर रहे हो, अरे हम तुमसे किराया अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं, जो सरकार ने किराया बता रखा है वही किराया तुमसे मांग रहे हैं, अब तुम किराया दे रहे हो या बस पे से उतारूं तुमको? और भैया राहुल तुम्हारा तुमको कहाँ जाना है, तुम अपना टिकट कटवाओ। मोदी जी जाना तो हमको अनेक ही है, ये बताओ वहाँ का किराया कितना होगा, मेरे जेब में पैसे थोड़े हैं, पहले बता दो किराया कितना हो उस हिसाब से मैं टिकट कटवाऊँ। क्या यार राहुल, जब भी तुमको कुछ खरीदना होता है या कहीं जाना होता है तो तुम्हारे पास पैसे ही कम रहते हैं यार, अमेठी का ₹350 है, लाओ पैसे दो और टिकट लो अपना, ज्यादा बकवास मत करो। मोदी जी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मम्मी
घर से पैसा ही लेके कम भेजती है, तो इसमें मैं क्या करूँ। अब मेरे पास इस समय 300 रुपए है, तो तुम ऐसा करो 300 का ही टिकट काट दो, जहाँ पे 300 का टिकट खत्म हो जाएगा वहाँ पे मुझे उतार देना, वहाँ से मैं अपने घर पैदल चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे क्या है, मैं 300 का ही टिकट काट देता हूँ, जहाँ पे 300 का टिकट खत्म होगा मैं पक्का वहीं पे तुम्हें उतार दूंगा, ये अभी बता रहा हूँ, बाद में चिक चिक नहीं चाहिए। और साहब भैया तुम बताओ तुमको कहाँ जाना है यार, तुम अपना टिकट कटवाओ, तुम तो ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे तुम्हारा कोई टिकट ही नहीं काटने वाला है। मोदी जी जाना तो मुझे गुजरात है, पर मेरे पास आज टिकट के पैसे ना है भाई, तुम ऐसा करो मुझे गुजरात मेरे घर छोड़ दो, तुम वहाँ चल के किराया ले लेना मुझसे। और स्मृति जी सामने बैठे, तुम उनका तो किराया नहीं ले रहे हो, हम लोगों से बार बार किराया मांग रहे हो यार, ऐसा दोगलापन तो मत करो। साहब भैया मैं कोई दोगलापन नहीं कर रहा हूँ, ठीक। स्मृति जी जैसे ही बस में बैठी है तुरंत अपना टिकट कटवा ली है, तब जाके बैठी है, तुम लोगों की तरह थोड़ी ना है। तुम ऐसा करो मुझे अभी यही किराया दो, नहीं तो बस से नीचे उतरो, मैं उधार उधार नहीं ले चलूंगा किसी को। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। अरे बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचाऊ, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, 9 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या मोदी जी, आज तो बिल्कुल सारी जगह घिर गई, मुझे तो टीवी के पीछे बैठना पड़ रहा है, ऐसे मुझे टीवी कहाँ दिख जाएगी। अरे लालू जी थोड़ा उधर को सर को, राहुल जब लेट आओगे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी है मेरे घर पर, और गांव के सारे लोग यहां पर टीवी देखने के लिए आते हैं, तो जगह बनकर थोड़ी आएगी। जब सारे लोग आएंगे जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाऊं। और ये क्या 9 बज गए फिल्म शुरू हो गई होगी, टीवी सही से चली नहीं रही है क्योंकि ऊपर एंटीने पे ऐसा लग रहा है फिर से कौवा बैठ गया। लालू जी जाओ जरा देख कर आओ, एंटीने को घुमा कर आओ। नहीं मोदी जी आज मैं छत पर नहीं चढ़ूंगा, कल तो मैंने एंटीना घुमाया था, आज एंटीना घुमाने के लिए योगी जी को भेजो। ज्यादा बातें मत करो लालू जी, देखो फिल्म स्टार्ट हो गई होगी। तुमसे पहले मैं तो 4 बार एंटीना सही करके आया था, तुम 2 बार चले जाओगे एंटीना सही करने के लिए तो क्या हो जाएगा। देखो फिल्म चालू हो गई होगी, जल्दी से सही कराओ। अरे मोदी जी तुम्हारे टीवी का एंटीना आज ही खराब होने को रह गया था, मैं और सिद्धू जी 5 किलोमीटर से आज शनिवार की फिल्म देखने के लिए आए थे, हमें क्या पता यहाँ आकर तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। अरे अमित शाह जी टीवी खराब नहीं हुआ है, छत पर एक एंटीना बंधा हुआ है, उसी के नेटवर्क को कैच करके तो फिल्म चलती है। उस एंटीने पे कभी कभी कौवा बैठ जाता है, वो हिल जाता है, उस एंटीने को जब हिला देते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, फिल्म निकली जा रही है। अखिलेश तुम जाओ जाओ एंटीना सही करने के लिए। देखो मोदी जी आज मैंने खेत पर बहुत काम कर लिया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो छत पर नहीं चढ़ूंगा, और कभी किसी दिन मैं एंटीना सही कर दूंगा। अरे केजरीवाल तुम ही बढ़ जाओ छत पे, जाओ एंटीना सही करके आ जाओ। मोदी जी मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, मैं अगर छत पर एंटीना सही करने के लिए जाऊंगा तो मेरी जगह पर राहुल आकर बैठ जाएगा। चलो वैसी जी तुम्हारा ही सहारा है, तुम जाके एंटीना सही कर रहा हूं, ये कोई तो नहीं जा रहा है। मोदी जी मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि एंटीने को कसकर बांध दो छत पर, कसकर बांध दो, कौवा बैठे उससे हिले नहीं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कौवा बैठता है एंटीना हिल जाता है और टीवी का नेटवर्क चला जाता है। अरे आधी फिल्म तो खत्म हो गई होगी, चलो हम ही जाते हैं छत पर सही करने के लिए एंटीना। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी मेरी तरफ क्यों बड़े चले आ रहे हो, अपनी तरफ रहो भाई, राहुल की तरफ रहो, राहुल की तरफ मेरी तरफ घुसे चले आ रहे हो इधर को। एक तो वैसी दिमाग खराब है, भिंडी की सारी फसल को जोतना पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी अपना इतनी जल्दी इस भिंडी की फसल को क्यों जोत रहे हैं बैलों से। लालू जी तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। अरे ये तो तुम्हें पता ही है, इस भिंडी के पौधों को लगाए हुए 1 साल हो गया, एक भिंडी भी नहीं आई है अभी इन पौधों में। कृषि डॉक्टर भी आकर देख कर चला गया, उसने का छिड़काव भी बताया इन भिंडी के पौधों पर, वो भी करके देख लिया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी भिंडी के इन पौधों पर भिंडी नहीं आई। अब मैंने सोचा कब तक ऐसे इन भिंडी के पौधों को खेत में रखोगे, इसलिए खेत को जोतकर दूसरी फसल उगाएंगे। वैसे मोदी जी आपके दिमाग में ये अच्छा आइडिया आ गया कि आपने बैलों के पीछे 5 हल लगा दिए और अपना 5 लोग मिलकर जोत रहे इस खेत को, क्योंकि खेत काफी बड़ा है, इतना जल्दी जुत भी नहीं पाता। अब 5 लोग अपना मिलके जोत रहे तो जल्दी जुत जाएगा, और अपने बैल भी जानदार है, 5 हल को खींच रहे हैं। मोदी जी चलो ये भिंडी की फसल तो फेल हो गई, अब ऐसा करते प्याज की खेती करेंगे, प्याज की खेत जोतने के बाद। नहीं राहुल प्याज बिल्कुल नहीं करेंगे, अब अपना लोग मिलके आलू की खेती करेंगे, आलू की। क्यों मोदी जी आलू सही रहेगा, आलू की पैदावार भी अच्छी होती है। देखो राहुल और नीतीश कुमार जी ना आलू की खेती करेंगे ना प्याज की खेती करेंगे, अब इस खेत में धान की खेती करेंगे, धान की, धान ही अच्छा पैदा होगा इस खेत में। सब्जी की खेती करके देख ली, सब्जी में कोई फायदा नहीं हो पाया। और अखिलेश तुम कैसे बैठे हो, हम 5 लोग तो खेत जोत रहे, तुम इन भिंडी के
पौधों को उखेड़ो, जल्द से जल्द उखेड़ो, नहीं तो इधर आकर खेत जोतो, मैं उखेड़ता हूँ। अरे मोदी जी, उखेड़ तो रहा हूँ इन भिंडी के पौधों को, पूरा साल भर हो गया इन भिंडी के पौधों में एक भिंडी नहीं आई, साल भर की पूरी मेहनत बेकार हो गई। चलो अब आप कहते हो कि धान की खेती, तो धानी की खेती सही रहेगी, धान की खेती करेंगे। लेकिन एक बात है मोदी जी, धान की फसल में मेहनत बहुत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। वैसे ये खेत तो कल तक जुत जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बैल अपने जानदार है, तेजी से हल को खींच रहा है। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।